के लिए दावा देता हूँ, हमारे ज़िला साहिवाल के अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत बाबा जी के साहबजादे कारी इजहार अहमद साहब रसूल नगरी, उनके छोटे भाई फाजिल नौजवान हजरत मौलाना कारी फहदुल्ला मुराद साहब, जो कि जामिया अजीज़िया साहिवाल के मुदीर तालीम हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और आप हजरात के सामने अपना इल्मी बयान फरमाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका आप बयान सुनेंगे, आपके इल्म में इजाफा होगा। तो तशरीफ़ लाते हैं साहबजादा कारी फहदुल्ला मुराद साहब, वो तशरीफ़ लाएं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, असातिज़ाए इज़ाम और मोहतरम सामेईन, आज का ये प्रोग्राम क्योंकि नए मुसलमान और मोमिन बच्चे की पैदाइश की निस्बत से है, इसलिए मैं चंद बातें इसी हवाले से आपकी खिदमत में पेश करूंगा। क्योंकि मेरा पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ है और आमतौर पर मैं इन अवामी मजालिस में आपको नज़र नहीं आता, उसकी वजह पढ़ने पढ़ाने की मसरूफियात है। लेकिन जब मैं इस मस्जिद में दाखिल हुआ तो मस्जिद में दाखिल होते ही मैंने ये तय कर लिया था कि मैंने किस मौजू पर बात करनी है, और ये मेरा पसंदीदा मौजू भी है। नबी गिरामी कदर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी हैं, जो आपके इरशादात गिरामी कदर हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिन नेमतों का अल्लाह के रसूल ने तारुफ करवाया है हमें, उन नेमतों में से अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के रसूल के यहाँ और अहले ईमान के यहाँ सबसे काबिल कदर, सबसे बड़ी, सबसे इज्जत वाली, सबसे शान वाली और सबसे ज़्यादा जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए वो नेमत औलाद की है। हमें रिज़्क़ भी मिलता है,
हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत माल भी इनायत फरमाते हैं, हमें घर बंगले कसर भी मिलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बेबहा जमीनें भी देता है, बागात और खेतियां भी मिलती हैं। लेकिन इन तमाम नेमतों में से सबसे ज्यादा पाकीजा, सबसे काबिल कद्र, सबसे मुकाम मर्तबे और इज्जत वाली नेमत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको इनायत की है, जरा तवज्जो फरमाएं, जो मुझे और आपको इनायत की है वो क्या है? वो औलाद है। नबी गिरामी कद्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अब फरमाते हैं, आपका इरशाद ये है, इन्न मिन अत्यबी कस्बिकुम, तुम जिंदगी में बहुत मेहनत करते हो, तुम्हारी मेहनत कभी किसी खेती में हल चला के नतीजा खेज होती है, कभी तुम कोई जॉब करते हो, तिजारत करते हो, तुम्हारी मेहनत का समर मिलता है तुम्हें, कभी तुम्हारी नेमत का समर, नेमत का नतीजा तुम्हें फल की शक्ल में मिलता है, कभी किसी बाग की शक्ल में मिलता है, कभी तुम्हारे पास रुपए और पैसा आता है, कभी तुम्हारे पास कपड़े और लोगों के तहाइफ जमा हो जाते हैं, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन तवज्जो कीजिए, फरमाया इन्न मिन अत्यबी कस्बिकुम, तुम इन सारी नेमतों को शुमार करो, इन सबसे पाकीजा, सबसे काबिले कद्र, अल्लाह के यहां सबसे अहम बेहतरीन नेमत औलादकुम, तुम्हारी औलाद है। इन्न मिन अत्यबी कस्बिकुम औलादकुम, तुमने जहां जहां मेहनत की और उस मेहनत का बेहतरीन समर जो तुम्हें मिला वो तुम्हारी औलाद है, इससे बेहतर समर कोई नहीं है। और मादरस से अर्ज कर रहा हूं, हम अपनी औलाद के हवाले से सबसे ज्यादा बेफिक्र हैं। खुदा की कसम, जितनी मैं अपनी जमीन की निगहदाश्त करता हूं, जितनी मैं अपने जमीन पे लगाए हुए किसी एक पौधे की निगहदाश्त करता हूं, और जितनी मैं निगहदाश्त अपनी जेब में मौजूद 1, 2, 3, 4, 5 हजार की करता हूं, मेरे अपने बच्चों की कदर और निगहदाश्त इतनी भी नहीं करता। जबकि अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, इन्न मिन अत्यबी कस्बिकुम, तुम्हारी सबसे बेहतरीन कमाई, सबसे कीमती सरमाया, सबसे अहम चीज जो तुम्हारे पास मौजूद है वो तुम्हारी औलाद है। ये क्यों कहा? गौर की जरूरत है कि अल्लाह के रसूल ने ये क्यों कहा, आपने इसके बारे में फिक्रमंद क्यों किया? इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर बेहतरीन अल्फाज क्यों कहे? इसलिए कहे कि इम्कान था कि इंसान इससे गाफिल हो जाएगा। आपने फरमाया कुलू मिन कस्बी औलादिकुम, ये बड़े अजीब जुमले हैं, कुलू मिन कस्बी औलादिकुम, तुम अपनी औलाद की कमाई को खाओ। अब हमारे यहां समझा जाता है शायद औलाद की कमाई क्या होती है, सिर्फ रिस्क, बच्चा जवान होगा कोई नौकरी करेगा, कोई तिजारत करेगा, पैसे कमा के लाएगा और हमें देगा, ये औलाद की कमाई है। ये औलाद की कमाई नहीं है, सिर्फ औलाद की कमाई वो नेक नामी है, वो भलाई और खैर है कि इस भलाई और खैर को देख के लोग कहें बच्चा तो ऐसा हो, देखो ये किसका बच्चा है, इस कदर नेक, अल्लाह वाला, मुत्तकी, एहतराम करने वाला, अदब करने वाला, बेबहा पैसे वाला हो, लेकिन जहां से गुजरे लोग वालिद को लान तान करें तो ऐसे बच्चे को क्या करता है। इसलिए फरमाया अपनी औलाद के फल को खाओ। औलाद का फल यह होता है कि इंसान दुनिया में रहे तो लोग उसको उसकी औलाद के किस्से सुना के खुश करें, और दुनिया से चला जाए तो लोग कहें ऐसा खूबसूरत आदमी था, ऐसी अच्छी औलाद छोड़ के चला गया है। इसलिए इन्न मिन अत्यबी कस्बिकुम औलादकुम, तुम्हारी बेहतरीन कमाई तुम्हारी औलाद है। इसलिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी दीगर कमाइयों में से सबसे ज्यादा जिस पे फोकस रखा करते थे, जिस पे अंबिया अलैहिमुस्सलाम मेहनत किया करते थे,
وہ آپ کی اولاد ہوا کرتی تھی۔ اولاد کی فکر کرنا، اولاد پر توجہ کرنا، اولاد کے احوال کو سنوارنا، ان کے مستقبل کے بارے میں پریشان رہنا، یہ شریف لوگوں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹا دیا اور پھر واپس لے لیا، تو اللہ کے رسول فرمانے لگے ان بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، ابراہیم ہم تمہاری جدائی پہ غم زدہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 83 سال کی عمر میں پہلا بیٹا دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کی تربیت کی۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف جیسا بیٹا دیا تو یعقوب علیہ السلام زندگی بھر اس کے لیے پریشان اور سرگردہ رہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا شیوا یہ تھا، اپنی اولاد کے بارے میں پریشان رہتے تھے، ان کی تربیت، ان کے بارے میں نیک نامی، ان کی خیریت، ان کی عافیت اور ان کے بہترین مستقبل کے لیے پریشان ہونا۔ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا بہترین مستقبل، اس لفظ سے بہت سارے لوگوں کو بڑے سرے دھوکے ہو جاتے ہیں کہ بہترین مستقبل کا مطلب شاید یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایم اے، بی اے، بی ایڈ یہ کروانا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، بہترین مستقبل کیا ہے؟ بہترین مستقبل یہ ہے کہ اگر آپ اس دنیا سے جائیں تو اس دنیا سے جانے کے بعد یہ گارنٹی ہو کہ آپ کا بچہ آپ کے جانے کے بعد ایسے نیک اعمال کر رہا ہے، ایسے نیک اعمال کر رہا ہے کہ آپ کی روزانہ کی بنیاد پر جنت میں اللہ کے ہاں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اولاد کے بارے میں بے فکری، کسی اولاد کو اسکول میں بھیج کے میٹرک ایف اے کروانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اولاد کے بارے میں فکر مندی کی بات یہ ہے کہ اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروایا جائے۔ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ بیٹوں کو بہت اچھا اسکول پڑھائیں، میں فی الحال اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن اب مجھے یہ بتائے کہ فزکس کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کیمسٹری کا کون سا سبق یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قدر والدین کی ہوگی؟ اور اگر آپ بیولوجی پڑھتے ہیں تو بیولوجی کے کس چیپٹر میں یہ موجود ہے کہ کسی شخص کی جنت اور جہنم اس کے والدین ہیں؟ جب آپ نے اپنی اولاد کو زندگی بھر یہ بتایا ہی نہیں، پھر بوڑھے ہو کے اس بات کا شکوہ کرنا کہ بچے بات نہیں مانتے، بچے میری بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، بچے فرمانبردار نہیں ہیں، بھائی میں نے اس کو سبق کیا دیا تھا؟ میں نے اس کو سکھایا کیا تھا؟ جو میں سکھاتا ہوں، جو فصل بوتا ہوں وہی کاٹتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل محفوظ ہو تو آپ کا مستقبل اس بارے میں محفوظ ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کروائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ادب کی بات کی، کس بات کی؟ ادب کی۔ اب حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ادب کی بات کی کہ سب سے زیادہ ادب کس کا کرنا چاہیے، ادب شروع کہاں سے ہوتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب پر جب پہلی بات کی تو پہلی بات شروع ہی یہیں سے کی کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ والدین کا ادب کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے جب بھی ادب کی بات کی سب سے پہلے جو ادب بتایا وہ والدین کا ادب تھا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے بیٹوں کو یہ تربیت دی تھی۔ میں یہ واقعہ عام طور پر سناتا ہوتا ہوں، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، سیدنا ابن عمر ادب المفرد میں امام بخاری لے کے آئے اس واقعے کو، بہت معروف واقعہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ایک سفر میں جا رہے ہیں۔ ایسی اولاد چاہیے، یہ ایسی اولاد چاہیے کہ جو کہ ابا جی آپ کو نہیں پتا کہ دنیا بدل گئی ہے، آپ نہ بولا کریں، ہماری باتوں میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ ایک یہ اولاد ہے اور ایک اولاد جناب عبداللہ ابن عمر جیسا بیٹا ہے۔ سفر میں جا رہے، ساتھی جماعت شاگرد ساتھ ہیں،
सामान भी साथ है, माल भी साथ है। पास से देखा कि एक बद्दू गुजरा, एक देहाती पेंडू आम सादा सा नौजवान गुजरा। पास से जब गुजरा पहचान के कहा बात सुनो। पास आया तो पूछा तुम फलां का बेटा नहीं है? कहा जी हाँ फलां का बेटा हूं। फरमा इधर आओ। अपने पास बुलाया और उनके पास एक सफेद रंग का गधा था जिसको हम कहते हैं नुकरा घोड़ा, इसी तरह का सफेद रंग का गधा। वो हमारे आमतौर पर नहीं मिला, ये बहुत कीमती गधा होता है। अपने शागिर्दों को कहने लगे इस नौजवान को मेरा सफेद रंग वाला गधा दे दो, बहुत खूबसूरत। और रिवायत में आता है कि हजरत इब्ने उमर उसको अपने काफिले के साथ पता क्यों रखा करते थे, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि गधे की सवारी पे इंसान थकता नहीं है और जब थकता है तो उस पर बैठ जाए तो इंसान को सुकून मिलता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर उसको अपने साथ इसलिए रखते थे कि जब ऊंट पे सवारी करके थक जाते तो उतर के उस गधे पे बैठ के थोड़ी देर सस्ताया करते थे। लेकिन जब देखा वो बंदा है, उस देहाती को अपना गधा दे दिया। जब उस देहाती को अपना गधा दिया तो दिल भरा नहीं, मजा नहीं आया उनको। फिर बुलाया कहा इधर आओ मेरे पास आओ। फिर पास बुलाया इस तरह अब जिस तरह मेरे सर पे पगड़ी है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर के सर पे पगड़ी और अमामा बंधा हुआ था। कहने लगा जरा पास आओ, अपना सर मेरे करीब करो। अपने सर से अपनी पगड़ी और अमामा उतारा और उसके सर पे रख दिया। शागिर्द परेशान है, ये आम देहाती। कहा सैयद ये तो एक और या आधे दिरहम पे राजी होने वाला बंदा था, आपने उसको पहले गधा दिया, आपका दिल नहीं भरा, फिर आपने उसको अपना अमामा उतार के उसके सर पे रख दिया, वजह क्या थी, सबब क्या था, इस कदर उसकी अहमियत क्यों थी, इस कदर उसकी कदर क्यों थी, यह मुकाम क्यों है कि इतना कुछ देने के बाद भी आपका दिल नहीं भरा और बिलाखिर आपने अपनी इज्जत अपने सर से उतार के उसके सर पे रख के फिर आपको कुछ इत्मीनान हुआ। फरमा इससे मेरा ताल्लुक बड़ा गहरा था। वो कहने लगे क्या ताल्लुक था, सुनिए ताल्लुक सुनिए क्या है। फरमाया ताल्लुक ये था कि इसका बाप मेरे वालिद सैयदना उमर का दोस्त हुआ करता था। ताल्लुक क्या है कि इसका बाप मेरे बाप जनाब उमर का दोस्त था, मैंने आज अपने वालिद की फौम बरदारी और इताअत में उसका यह इकराम किया है, मेरा मेरे वालिद से ताल्लुक है। ऐसी औलाद, ऐसी औलाद अगर आप चाहते हैं तो ऐसी औलाद तो बहुत मेहनत से मिलती है, बहुत काबिज से मिलती है। नौजवान ये छोटे बच्चे, इनका फिक्र कीजिए, इनको अपना मुस्तकबिल बनाइए, इनको अपनी जन्नत बनाइए। और अंबिया अलैहिस्सलाम उनको ये फिक्र होती थी, जिंदगी भर भी अपनी औलाद की फिक्र और मरते दम भी औलाद की फिक्र होती थी कि मेरे औलाद मेरे बाद किस तरह जिंदा रहेगी, इसका नुक्ता नजर क्या होगा, इसकी जिंदगी गुजारने का उसूल क्या होगा। हम इस बात सिवाय मैं ये खुले तौर पर हमारा औलाद से सिर्फ ये ताल्लुक होता है। हम बेटियों को पता क्यों नहीं पसंद करते, बेटी मुझे कुछ कमा के नहीं देती, और बेटे को इसलिए पसंद करते हैं कि मुझे शायद कुछ कमा के दे, तो मैं अपनी औलाद या अपने बेटे को सिर्फ एक कमाई की मशीन समझता हूं। और फिर होता यह है कि वो बच्चा मेरी कमाई की मशीन बन जाता है, मेरा बेटा नहीं बनता। वो इब्ने उमर जैसा बेटा नहीं बनता, वो हसन बिन अली जैसा बेटा नहीं बनता, वो सुफियान इब्ने उयैना जैसा बेटा नहीं बनता, वो बस बेटा हुआ करता है। फिर वो एक मशीन होती है, आप उससे पैसों की तवक्के करते हैं, वो आपको पैसे दे देता है लेकिन बेटा नहीं आपको मिलता। इसलिए अगर औलाद बनाना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, उम्मत का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी औलाद की फिक्र कीजिए। और फिक्र क्या है, इनको उस अल्लाह का, उस दीन का, अल्लाह के रसूल के फरामीन का आलिम बनाइए ताकि ये कल आपके मुस्तकबिल के लिए सरमाया बन सके। आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको हजारों रुपए देने वाले बड़े मिल जाएंगे, लेकिन आप बूढ़े हो और किसी कंधे पे हाथ रख के आपको चलने वाला कोई कंधा मिले, ये किस्मत से मिला करता है। ये तब मिलता है जब किसी औलाद को अल्लाह का तारुफ करवाया जाए। इसलिए अपनी औलाद के बारे में फिक्रमंद हो, औलाद के बारे में ख्याल करें कि मुझे अपने औलाद को क्या बनाना है। अल्लाह का तारुफ करवाएंगे
अपने बच्चों को अल्लाह के दीन का खादिम बनाएंगे, कल ही अल्लाह वापसी पे आपका खादिम बना देंगे। याद रखें, अगर हम अपनी औलाद को अल्लाह का खादिम नहीं बनाते, वो औलाद कभी भी मेरी खादिम नहीं हो सकती। और ये दुनिया में तजर्बा हो चुका है, हम इस वक्त जिनको अपना आइडियल और नमूना समझते हैं यूरोप और अमेरिका को, वहाँ के वालिदैन घरों में नहीं रहते, उनके लिए अलग अस्पताल बना रखे हैं जहाँ बूढ़े रहते हैं, और नौजवान वालिद को साल में एक दिन भी मिलने नहीं आते। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, अभी हमें एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की मेहनत अभी तक नजर आ रही है। जब ये बच्चे मेरे हाथ से निकलेंगे तो मैं इनके मुंह देखने को तरसूंगा। और वहां एम्बुलेंसें आती हैं साल में एक बार, और आके नौजवानों को कहती हैं यूरोप के गली कूचों में खड़े होके, आओ तुम्हारा टेस्ट करके बताएं तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारा बाप कौन है। नौजवानों को ये भी पता नहीं होता कि उनकी वालिदैन को, हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा साइंसदान, सबसे ज्यादा तिब को जानने वाले, सबसे ज्यादा फिजिक्स को जानने वाले वो वहां मौजूद हैं, लेकिन वहां बेटे नहीं हैं, वहां माँ वालदेन नहीं है, वहां माएँ मौजूद नहीं है, वहां क्या है, एक मशीनें हैं जिन मशीनों का मशीनों से ताल्लुक मशीनों जैसा है। इसलिए अपनी औलाद बनाइए। आप चाहते हैं ना कि आप अपने कल आप बूढ़े हो जाएं और आपका बच्चा आपको वक्त दे, तो आप अपने बच्चे को वक्त देना शुरू कर दें। आप मुझे ये बताएं कि किसी ने, आप सारे जिम्मेदार हैं, कोई आदमी गंदम का बीज फेंके और काटे मक्की, मुमकिन है ऐसा नहीं। आप अपने बच्चों पे जो सरफ करेंगे वो कल वही आपको वापस करेंगे। अगर आप अपने बच्चों पे पैसे लगाएंगे वो कल आपको पैसे देंगे। आप अपने बच्चों पे वक्त सरफ करेंगे, कल ये बच्चे आपको वक्त देंगे। आप अपने बच्चों के लिए खुदा के हुजूर रातों को गिड़गिड़ाकर दुआएं करेंगे, तो कल ये आपके जाने के बाद अल्लाह के हुजूर रो रो के आपके लिए दुआएं करेंगे। आप अपने बच्चों को अल्लाह का खादिम बनाएंगे, कल ये अल्लाह से आपके लिए गुजारिश करेंगे, या अल्लाह मेरे वालिदैन को माफ फरमा दे, इन पर रहम फरमा। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं, हमारे वालिद साहब चले गए, ये हमारा दस्तूर है। जब दुनिया से कोई बंदा फौत हो जाता है तो फौत होने वाले के कपड़े घर में नहीं रखे जाते, ऐसे ही है ना। हमारे बहन भाइयों के दरमियान बाकायदा ये झगड़ा है कि हमारे वालिद के कपड़े किसके हिस्से में आए हैं, किसके हिस्से में नहीं आए। ये फर्क है सिर्फ दीन और दुनिया का। और हमने अपने वालिद के कपड़ों को संभाला, हत्ता कि मैंने जिंदगी भर ये तय किया हुआ है कि ईद का खुतबा जब भी दूंगा वालिद की पगड़ी और वालिद का कुर्ता पहन के दूंगा जब तक वो चलेगा। ये ताल्लुक है। और मैं खुद भी ये करता हूं और अपने बहन भाइयों से भी पूछता रहता हूं कि हम हर नमाज में अत्तहियात के बाद हमेशा अपने वालिद के लिए दुआ करते हैं। यह ताल्लुक हुआ ना। हमारी बहन भाई कभी वालिद साहब को रोते हैं, हमें भी दुख आता है, तो वहां हम झगड़ा ये करते हैं, रो तो तुम रहे हो, ये बताओ कि वालिद साहब के लिए नेकियां कितनी की हैं, कितने सिपारे पड़े आज तुमने कि इसका अजर अल्लाह मेरे वालिद को इनायत फरमाए। ये होती है औलाद, ये समर है। हमारे वालिद साहब ने हमें दीन पे लगाया तो आज हमें उनकी कदर का अंदाजा हुआ कि वो कितने बड़े आदमी थे। वरना दुनिया के एतबार से अपने वालिद का एस्टिमेट करना शुरू करें तो शायद वो हम ये भी सोचें कि हमें 2 लाख भी नहीं देखे गए होंगे। असल कीमत क्या थी कि उन्होंने हमें अल्लाह का खादिम बनाया और हम उनके खादिम बन गए। उन्होंने अल्लाह के दीन का खादिम बनाया और हम उनके खादिम बन गए। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि ये औलाद आपकी रहे और ये नस्ल मुसलमानों की रहे, तो फिर इनके बारे में फिक्रमंद हों, इनके बारे में ख्याल करें, इन पर तवज्जो दें, इन पर गौर व फिक्र करें, इन पर अपना वक्त इन्वेस्ट करें, इन पर अपनी अच्छी सोहबत, इनको मस्जिद में भेजें, कारी को घर में बुला के ना पढ़ाएं, मस्जिद में भेजें, उसके सर पे बैठें। आप क्या समझते हैं कि बच्चे पागल होते हैं? ईमानदारी से बताएं कि होता हमारे यहाँ घर क्या है कि अगर बच्चा स्कूल ना जाए तो शाम को वालिद जब घर आता है, माँ बताती है आज स्कूल नहीं गया, तो प्यो लितर ला के सिर गंजा कर दे। कभी किसी वालिद ने मस्जिद ना जाना के बच्चे नुंजा की? तो आप बच्चों को पागल समझते हैं? हम चाहते ये हैं, बच्चा नहीं समझ रहा कि मेरे बाप का मकसूद मुझसे क्या है, बच्चा ये समझता है
ये मेरा बाप चाहे दाढ़ी वाला है, चाहे सर पे पगड़ी बंधी हुई है, ये मुझसे दीन नहीं चाहता, ये दुनिया चाहता है। वो भी मुझे रिटर्न के तौर पर, वापसी के तौर पर दुनिया देगा, क्योंकि मेरा बाप मुझे दुनिया पे तो मारता है, कभी दीन पे इसने मुझे नहीं मारा, इसने मेरी नमाजों की कभी हाजिरी नहीं लगाई, इसने मेरे कुरान और सिपारे का कोई फिक्र नहीं किया। हाँ, स्कूल में मेरे हर रिजल्ट पे मेरे साथ जाता है, कभी मस्जिद में मेरे साथ नहीं गया। मस्जिद में मैं पढ़ता हूँ तो बैठता नहीं वहाँ, इंतज़ार नहीं करता कि मेरा बेटा कुरान पढ़ रहा है, मैंने इसको ले के आया हूँ, ले के जाना है। वो समझ रहा है, बच्चे पागल नहीं हैं, हम जो उन्हें समझा रहे हैं वो समझते हैं, वो समझते हैं हम क्या चाहते हैं। और फिर बाद में कहें जी बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी इसी पर साधे बने नहीं। भाई, हमने बच्चों को बनाया ही नहीं अपना। इससे इस वक्त उम्मत का अलमिया ये है कि वालिदैन अपने बच्चों को वक्त नहीं देते। ये मेरी बात नोट कर लें, आज बच्चे की वलादत पे ये कह रहा हूँ, वालिदैन अपने बच्चों को वक्त नहीं देते। वो अपने वालिदैन के रवैयों से देखते हैं कि मेरा वालिद अपने बाप से किस तरह पेश आता है, वो अपने रिश्तेदारों से क्या सलूक करता है, वो अपनी बहन से क्या सलूक करता है, वो अपने भाई से क्या सलूक करता है, इसका मस्जिद से ताल्लुक कैसा है, इसका रिश्तेदारों से ताल्लुक कैसा है। वो मेरी एक एक चीज़ कॉपी करता है। हम पते होते मेरे पास दोस्त आते हैं कि हमारा बच्चा ठीक नहीं है, हम क्या करें, हमारे दोस्त और हम उनको मशवरा देते हैं। मैं मशवरा ये देता हूँ कि आप अपने बच्चे को अपने साथ रखा करें, अपने बच्चे को अपने साथ रखा करें। हम में से कौन सा वालिद ऐसा है जो अपने आप को इस काबिल समझता है कि दिन के 15 घंटे मेरा बच्चा मेरे साथ सही गुजार सकता है? यानी मेरी जिंदगी इस कदर खराब है, इस कदर बुरी है कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ रखने के काबिल नहीं हूं। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ रहें कल, तो अपने बच्चों को साथ रखा करें। इस वक्त उम्मत के बच्चों का मसला यह है कि वालिदैन अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे, और वालिदैन की जिम्मेदारी यह है कि उनको ये बताना अपने अमल से, बातों से नहीं अपने अमल से बताना कि रिश्तेदारी क्या होती है, दीन क्या होता है, अल्लाह की कदर क्या है, रसूल की कदर क्या है, भाई की कदर क्या है, वालिदा की कदर क्या है। एक एक चीज जब हम उनको, जब मैं आप देखूंगा ना जी कि मेरा वालिद अपने पैसे माँ से तो छुपाता है लेकिन मेरी अम्मा को देता है, कल ये बच्चा भी करेगा, ये अपने पैसे वालिद आपसे छुपाएगा, अपनी बीवी को देगा। तरबियत है, जो हम बेएंगे वही कल काटेंगे। लिहाजा अपने बच्चों के बारे में परेशान हो। और इब्राहिम, याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया में अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की, और जब मरने लगे तो बच्चों को बुला लिया। अल्लाह, अंबिया के आदाब देखे क्या है, अंबिया की मेहनत क्या है, अंबिया की काविश क्या है। वसा बिहा इब्राहिम बनी, वसा बिहा इब्राहिम बनी, वसीयत की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को। वसीयत क्या होती है? मरते वक्त बुलाया, मेरे बेटो मेरे पास हो, और आके कहा क्या, सोचे मैं और आप कि हम जब मरते हैं तो अपने बच्चों को क्या कहते हैं। वसा बिहा इब्राहिम बनी ही, वसीयत की इब्राहिम ने अपने बेटों को, बुलाया इसहाक तुम भी आ जाओ, इस्माइल तुम भी आओ, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है। क्या की? या बनिया, ऐ मेरे बेटो, इन्नल्लाहा अस्तफा लकुमुद्दीन, इस हकीकत को याद रखो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दुनिया में दीन को इंतखाब किया है, तुम्हारी हकीकत दीन से वाबस्ता है, तुम्हारी इज्जत दीन से वाबस्ता है, तुम्हारी जिल्लत दीन से वाबस्ता है, तुम्हारा मुकाम दीन से वाबस्ता है, तुम्हारा मर्तबा दीन से वाबस्ता है, तुम्हारी रोटी दीन से वाबस्ता है, और तुम्हारी हर एक चीज किससे वाबस्ता है? दीन से। इन्नल्लाह, अल्लाह ने तुम पर एहसान ये किया है कि दीन को तुम्हारे लिए इंतखाब कर। क्या हम अपने बच्चे को पूछते हैं मरते हुए, बेटा तुम्हारा इंतखाब ये है, तुम्हारी खुशबख्ती ये है कि मेरे मरने के बाद अल्लाह की तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन पर पाबंद रहना। कभी सुना है कि बाप ने मरते हुए ये कहा था? और आगे क्या कहा, ये मेरी वसीयत मरते दम तक नहीं है कि अभी तुम करो,
نہیں, فلا تموتن الا وانتم مسلمون. میری بات کو یاد رکھنا, یہ تم نے ابھی نہیں کہ باپ فوت ہو رہا ہے, باپ کے فوت ہونے کے بعد ایک مہینہ دو مہینے نہیں, اس پر تم نے مرتے دم تک قائم رہنا ہے, یہ نہیں کہ کسی وقت تم چھوڑ دو. گویا کہ دین کیا ذمہ داری ہے, دین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ذمہ کیا فرماتے, وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اس کائنات کا سب سے بے وقوف آدمی وہ ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑ لے, جو ابراہیم کے راستے سے الگ راستہ بنا لے, جو نیا راستہ ڈھونڈ لے, جو اس راستے سے نکل جائے. اس کائنات کا بے وقوف ترین, یہ احمق ترین, گندا ترین آدمی وہ ہے, فرمایا جو ابراہیم کے راستے کو چھوڑ کر اپنا راستہ بنائے, نئے راستے بنانے کی کوشش کرے. فرمایا الا من صفی نفس, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عقل مند ہو, باشعور ہو, دانشور ہو, تو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اپنائیں, اور وہ کیا ہے, اپنی اولاد کی ان کی زندگی میں فکر کرنا. ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے, زندگی میں مانگ رہے اللہ سے, یا اللہ میری اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیں, اور مرنے کے بعد بھی یہی مانگا ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو اس خدمت کے لیے قبول کر لیں. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اپنی اولادوں پر خصوصی طور پر فکر مند ہونا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.